नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति के रुझान और विकास या फिर भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये चैप्टर का पुराना नेम है और ये हो सकता है आपका नया नेम, ये हो भारतीय राजनीति नए बदलाव। ज्यादा वगैरह इस चेंज वगैरह नहीं हुआ है। इस चैप्टर में हम 1990 का दशक पढ़ने वाले हैं और यहीं से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 6 मार्क का। क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा जाएगा, 1980 के दशक में आखिर के सालों में देश में 5 बड़े बदलाव कौन से थे। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 बड़े बदलाव, इस चैप्टर से यही मेन क्वेश्चन यही बनता है कि 5 बड़े बदलाव कौन से थे और ये 6 मार्क का पूछा जाता है। तो सबसे पहला बदलाव आता है, इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार थी। तो सबसे पहली जो घटना थी वो ये थी कि 1989 में जो चुनाव करवाए गए थे उस चुनाव के अंदर कांग्रेस हार गई थी। क्या हुआ था, जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत सके। यानी जो पार्टी 1984 के अंदर जब इलेक्शंस हुए वो 415 सीटें जीती थी और अब की जब इलेक्शंस दोबारा हुए तब वो केवल 197 ही सीटें जीत पाई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कहाँ इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी और अब कहाँ उसको सीटों के अंदर कितनी कम पॉपुलैरिटी है, 197 ही केवल वो जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्यावधि में चुनाव हुए और कांग्रेस ने इस बार अपना आंकड़ा सुधारा। 1991 में क्या हुआ, फिर से एक बार चुनाव करवाए गए और इस बार ये आंकड़ा जो इसका 197 सीटें लाए थे इससे ज्यादा सीटें लेकर आई। बहरहाल 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिसे राजनीतिक विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिरकार कांग्रेस प्रणाली क्या है। बेसिकली कांग्रेस प्रणाली जो राजनीतिक विज्ञानी है वो उनका कहने का मतलब ये होता है कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था हर मतलब आजादी के बाद से 1989 तक किस तरीके से वो बार बार चुनाव को जीत रही थी और एक पार्टी के रूप में उभर रही थी और किसी ऑपोजिशन का भी रोल वही प्ले कर रही थी कांग्रेस पार्टी, गवर्नमेंट भी वही चला रही थी और मेजर पार्टी के रूप में कांग्रेस जो चला रही थी अब उसका अंत हो चुका था। तो इसी को ही कांग्रेस प्रणाली कहा जाता था। तो 1989 के बाद ये समझा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगी, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। अगला आता है, कांग्रेस अब भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है, ऐसा नहीं कह सकते, हालांकि तब भी और अब भी कांग्रेस जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है के रूप में कायम रही और उसकी प्रमुखता जैसे पहले थी अब वैसी नहीं रही। बस फर्क कितना ये हो चुका था कि जिस तरीके से पहले वो बहुत ही पॉपुलर पार्टी थी उसकी एक अलग ही दर्जा दिया जाता था, अब वो दर्जा उसे छीन लिया गया था, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अब उसको उस नजर से नहीं देखती। दूसरा बड़ा बदलाव, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था। यानी जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके अंदर मंडल मुद्दा जो है उभर कर आया, इस पे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, डिबेट्स वगैरह हुए। क्या था आखिर ये मंडल मुद्दा, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। यानी जो मंडल एक कमीशन बैठाया गया था उस मंडल आयोग ने कुछ सिफारिशें दी थी कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो उसको उन सिफारिशों को जो नई सरकार आई थी उसने उन सिफारिशों को लागू कर दिया, मतलब जो मंडल आयोग कह रहा था उसको मान लिए। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। और क्या वो सिफारिशें थे, सिफारिश में ये था कि जो ओबीसी है यानी अन्य पिछड़ा जो वर्ग है उनको केंद्र की जो सरकार नौकरियां होती हैं उनमें आरक्षण दिया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, कुछ सीटें उनके लिए बुक कर दी जाए और उस सीटों पे कोई और ना बैठे, केवल ओबीसी वाले ही बैठे। अब ऐसे में क्या हुआ कि देश भर के अंदर सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। यानी हर जगह इस जो मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट भेजी थी और इसको आप लागू कर रहे हो तो इसकी विरोध होने लगे कि ऐसा बिल्कुल मत करो, ओबीसी को रिजर्वेशन
मत दो। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है, और इनको जो सपोर्ट वगैरह कर रहे थे मंडल मुद्दे को, और जो इसके अगेंस्ट है, ये आपस में बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट इनके बीच में हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, दंगे वगैरह हो रहे थे, तो इसी पूरी चीजों को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई, और इसने 1989 की जो पॉलिटिक्स बदली उसमें इस मंडल मुद्दे का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ, क्योंकि उस वक्त वहां के जो वोटर्स है उन्होंने ये देखा कि हमें क्या सही उनके लिए है क्या गलत है, इस तरीके की चीजें हुई। तीसरा पॉइंट आता है कि तीसरा, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीति अपनाई वह बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी, यानी गवर्नमेंट अब तक जो जिन पॉलिसीज को लेकर अपने देश को ग्रोथ कर रहा था, यानी इंडिया को ग्रो कर रहा था, डेवलप कर रहा था, अब वो जो पॉलिसी वगैरह है वो चेंज हो चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया, या इसको नए आर्थिक सुधार के नाम से कह लो, या ढांचागत जो समायोजन कार्यक्रम है उसके नाम से इसे कह लो, बात वही है, इसके कह सकते हो पर्यायवाची है। इनकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय, और जो ये नई आर्थिक सुधार थे, आप अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आप अगर आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स है, तो 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जो पॉलिसी है बेसिकली ये लाया गया था, तो इसका क्या हुआ, और राजीव गांधी की जो सरकार है उस समय लाया गया था, मनमोहन सिंह थे उन्होंने वो लेकर आए थे, समय हुई और 1991 तक के बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुआ। 1991 तक हालांकि शुरुआत पहले हो चुकी थी, लेकिन 1991 में लागू वगैरह किया गया था, और इस वक्त इस सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने इसको बहुत ही बड़े तौर पे पूरा बदल डाला, मतलब जो भी कंडीशन वगैरह थी एलपीजी पॉलिसी को अप्लाई करने लगे थे बड़े पैमाने पे। आजादी के बाद अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चली आई थी वह इन नई आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई थी, यानी अब तक जो हमारा जो एम था कि हम देश के अंदर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये पॉलिसी ऐसा होगा, अब इन नई आर्थिक नीतियों के कारण हमारा जो रोड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। अब ऐसे में क्या हुआ, जब ये नई आर्थिक सुधार लाए गए तो ऐसे में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो अपोजिशन पार्टीज थी, और कई सारे जो संगठन थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया कि आपको इस तरीके की आर्थिक नीतियां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम जो आजादी के बाद से जो रोड पे चल रहे हैं उसी रोड पे हमें चलना चाहिए, हमें कोई दूसरा नया रोड नहीं लेना चाहिए, उनका ये कहना था। पर यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि जितनी सरकारें बनी, यानी राजीव गांधी के बाद जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने इसको चेंज, नई आर्थिक नीतियों को बदला नहीं, भले ही वो विरोध कर रहे थे पर उनकी जब सरकार आई तो उन लोगों ने इन नीतियों को बदला नहीं, बस ऐसे खामखाई लोग विरोध कर रहे थे, सबने नई आर्थिक नीतियों पर अमल जारी रखा। तो अब सबने क्या किया कि जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसको किसी ने हटाया नहीं, सबने जिस जिसकी गवर्नमेंट बनी उन लोगों ने इसको फॉलो अप किया। अगला फोर पॉइंट आता है हमारा, घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति, अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक घटना हुई थी बाबरी मस्जिद की, इसके विध्वंस के रूप में हुई, यानी बाबरी मस्जिद जो है उसे तोड़ दिया गया था, और यहाँ पे हम सबको पता है कि हिंदू और जो मुस्लिम है वो आमने सामने आ गए थे, और ऐसे में कई लोगों की जान गई थी और कई सारी हिंसाएं भड़की थी, उस वक्त की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये घटना 1992 के दिसंबर के महीने में घटी, और इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया, और इस घटना की वजह से जो बीजेपी पार्टी आपको दिखती है वो इसी घटना की वजह से उभर कर आई। बीजेपी पार्टी का जन्म इसी घटना की वजह से, जैसे आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो अन्ना के आंदोलन की वजह से हुआ, सेम इसी तरीके से बाबरी मस्जिद का जो हुआ था इसकी वजह से बीजेपी जो है वो अमल में आई, बीजेपी पार्टी का उदय हुआ और उनका प्रतीक बनी। इस घटना में भारतीय राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई, तो इस पर क्योंकि हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए थे, तो ऐसे में राष्ट्रवाद, हमारा देश कैसा होना चाहिए, क्या किसी को भी देश के प्रति प्रेम नहीं है, कहाँ धर्मनिरपेक्षता है कि हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ बुरा हो रहा है, इस तरीके की टीवी में बहसें, रेडियो में इस तरीके की डिबेट्स वगैरह होने लगी। इन बदलाव का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से, और इनका उदय बेसिकली भाजपा जो है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसका उदय
इस दौरान में काफी तेज हुआ और हिंदुत्व की राजनीति का जन्म हुआ। यानी अब लोग क्या करने लगे, हिंदुओं की राजनीति करने लगे। कहने का मतलब कि हिंदुओं के ऊपर ज्यादा बात करने लगे, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस तरीके की ज्यादा डिबेट्स वगैरह होने लगी। पांचवा पॉइंट आता है जो कि लास्ट है, मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। सबसे बहुत ही खराब बात थी और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन आए। राजीव गांधी का चुनाव अभियान में इस सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे, तो वो चुनाव वगैरह चल रहा था तो भाषण वाषण देने वो तमिलनाडु गए थे, दौरे पे थे। अब तभी जो लिट्टे के समर्थक है, लिट्टे हमने पढ़ा था श्रीलंका के अंदर जो ग्रुप वगैरह थे, ऑर्गेनाइजेशन थी, से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन लोगों ने क्या किया, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजय पार्टी के रूप में सामने आई और इसके बाद 1991 में जो कांग्रेस पार्टी है वो काफी बड़े रूप में आई। और उस वक्त जो राजीव गांधी के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे नरसिम्हा राव। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना और इनके जाने के बाद, राजीव गांधी के जी के जाने के बाद जो नरसिम्हा राव थे कांग्रेस के, उन्होंने पद को संभाला प्रधानमंत्री के। तो ये पांच बड़े बदलाव जो 1990 के दशक में हुए और ये एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप जरूर पढ़ लेना।